तो एनसीपी के प्रवक्ता महेश तापसे के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सचिन सावंत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि गत जो चुनाव बीता है महाराष्ट्र में विधान परिषद का, उसमें अमर अकबर अंथनी सरकार ने रॉबर्ट सेठ को परास्त कर दिया है। उन्होंने इस अमर अकबर एंथोनी फिल्म का हवाला देते हुए कहा कि तीन दलों की सरकार कहकर रॉबर्ट सेठ अमर अकबर एंथोनी सरकार को बदनाम कर रहे थे, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उसके समर्थन में जनता ने बीजेपी को नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को अमर अकबर एंथोनी की सरकार कहते थे। अमर अकबर एंथोनी एक बहुत ही हिट फिल्म थी और उस हिट फिल्म में जिस तरह से रॉबर्ट सेठ को पटकनी दी जाती है, उसी तरह से अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथोनी, इस अमर अकबर एंथोनी की सरकार ने रॉबर्ट सेठ भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की पराजय की मालिका अब शुरू हो चुकी है। जो कारण था महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को स्थापन करने का, वो कारण यही था कि लोकतंत्र को बहुत बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के रूप में तैयार हो चुका है और इसका सामना करना है तो सभी विपक्ष को एक साथ आना होगा और ये जो उपाय था वो यशस्वी होते हुए नजर आ रहा है। कुछ दिनों से ये फडणवीस जी बहुत बड़ी बात कर रहे थे कि 105 उनके विधायक है, 150 हो जाएंगे, ये भ्रम जो है ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ये जो निर्णय दिया है ये मोदी सरकार के खिलाफ निर्णय दिया है और ये निर्णय सुशिक्षित युवाओं ने दिया है जिनको बेरोजगारी के गर्त में ढकेला है। आर्थिक तौर पर पूरी तरह से विफल हो चुकी मोदी सरकार है और इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा तबका जो है ये सुशिक्षित वर्ग का, वो बेरोजगारी की वजह से आहत महसूस कर रहा है, बहुत ही आक्रोशित है और इन्होंने अपना निर्णय मोदी सरकार के खिलाफ दिया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये पराजय की मालिका अब शुरू हो चुकी है और रॉबर्ट सेठ बार बार अभी अगली जो भी चुनाव आएंगे उसमें पटकनी खाते रहेगा। जहां तक बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करने की आवश्यकता है कि 55 साल से नागपुर का गढ़ जो था, जो वारसा हक से, जो परंपरा से भारतीय जनता पार्टी को मिला था, देवेंद्र फडणवीस जी के पिताजी भी यहां से लड़ते थे, गडकरी जी 25 साल से यहां चुनाव जीतते आ रहे थे, 55 साल से ये गढ़ था, वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि इनकी जो नीतियां हैं ये जनता को पसंद नहीं आ रही। महाराष्ट्र द्रोह जो इन्होंने किया है, इन्होंने अर्णब गोस्वामी का साथ दिया, कंगना का साथ दिया और 13 करोड़ महाराष्ट्र की जनता का अवमान किया, इस निर्णय में महाराष्ट्र की जनता कितनी खफा है भारतीय जनता पार्टी से ये भी प्रतीत होता है।